गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। दो दिवसीय दौरे पर रविवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। सोमवार को मऊ जनपद के लिए होंगे रवाना। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने रविवार को देर रात रेलवे स्टेशन और झूलेलाल मंदिर स्थित रैन बसेरे का किया औचक निरीक्षण। लोगों से पूछा हालचाल, मजलूमों को ओढ़ाया कंबल, दिए निर्देश, कहा ठंड में खुले आसमान के नीचे ना सोए कोई व्यक्ति, रैन बसेरों में हो समुचित व्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गोरखनाथ मंदिर में संपन्न हुई खिचड़ी मेले की तैयारी बैठक। मेले को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश, कहा मेले में आए श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर दिया जाए ध्यान। गीडा थाना क्षेत्र में दो पक्षों में हुए आपसी विवाद में बदमाशों ने चलाई गोली, एक व्यक्ति सहित तीन लोग गोली लगने से हुए घायल, हालत गंभीर। सूचना पर पहुंचे एसएसपी ने हमलावरों को गिरफ्तार करने के दिए निर्देश। एसटीएफ गोरखपुर की टीम ने अंतर्राज्य गौवंशीय पशुओं की तस्करी करने वाले दो सदस्यों को किया गिरफ्तार। बरामद किए 28 गौवंश, 3 मोबाइल फोन और 1360 रुपया नकद। मुकदमा पंजीकृत कर भेजा जेल। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के तत्वाधान में दो दिवसीय मंथन कार्यक्रम का हुआ समापन। साहित्य और पूर्वांचल के विकास पर वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। खिचड़ी मेले के मद्देनजर एसएसपी ने किया गोरखनाथ मंदिर परिसर का निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में रविवार को मिले 33 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,708। अब तक 336 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 352 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। जिले में दूसरे दिन भी 35 केंद्रों पर संपन्न हुआ फायरमैन, जेल वार्डन, घुड़सवार की पुलिस भर्ती परीक्षा। परीक्षा में फर्जी आईडी व फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहे एक अभियुक्त को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भारतीय भवन निर्माण व मजदूर यूनियन के प्रदेश का 10वां स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ कार्यक्रम, मजदूरों के उत्थान पर हुई चर्चा।